भैया केवल आईपीएल एशिया कप में के खबरों में मत रहो भैया, और भी खबरें आप लोगों के लिए हैं। इधर उधर और भी बहुत कुछ चल रहा है, तमाम चीजें बताऊंगा। आईपीएल की कई सारी टीमों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इधर आप एशिया कप में उलझे पड़े हैं, भारत पाकिस्तान में उलझे पड़े हैं, और उधर भाई साहब तूफान मच गया। कई सारी टीमों के अंदर तूफान मच गया, कई सारी टीमों के खिलाड़ियों ने तूफान मचा दिया मेरे भाई। वो भी खबर आप लोगों के लिए जाननी जरूरी है। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले मेरे भाई लखनऊ को बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है, और मैं तो बोलता हूं कि खबर हाथ नहीं लगी है, सबसे बड़ी खुशखबरी लखनऊ को मिल गई है कल के दिन में, मतलब 6 तारीख के दिन में। और वो खुशखबरी क्या मिल गई है? खुशखबरी ये मिल गई है कि आपको पता है कि कैरिबियन प्रीमियर लीग चल रही है वहां पर, ये सारे वेस्ट इंडीज के जो है काले ये सब खेल रहे हैं वहां पर। अब वहां पर क्या हुआ है कि निकोलस पूरन ने मेरे भाई साहब तूफान मचा दिया। निकोलस पूरन ने तेज तर्रार शतक लगा दिया। आप सोचिएगा, निकोलस पूरन का जो शतक है भाई साहब, वो लखनऊ को बड़ा खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि में निकोलस पूरन है। और निकोलस पूरन का जो बल्लेबाजी का अंदाज है वो हमने आईपीएल 2023 में देखा, कई मुकाबलों में किस अंदाज में निकोलस पूरन खेले। और अगर इस तरीके से कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी खेल रहे हैं तो भैया साफ पता चल रहा है कि भैया ये बल्लेबाज इस बार छोड़ने वाला नहीं है, ये तूफान मचाएगा, धमाका मचाएगा। उसके बाद में दूसरा भाई साहब जो उनके ओपनर है कायल मेयर्स, आपको पता है कि कायल मेयर्स के चक्कर में डिकॉक को बाहर कर दिया था लखनऊ ने, याद है आपको? कायल मेयर्स के चक्कर में डिकॉक को बाहर कर दिया लखनऊ ने। और भाई साहब कायल मेयर्स मतलब काल बने हुए हैं, कायल मेयर्स जो हैं वो काल बने हुए हैं, और उसने कमाल कर दिया है। पहले तो गेंदबाजी से विकेट चटकाया, क्योंकि ऑलराउंडर हैं आप लोगों को पता है, और फिर बल्लेबाजी से तूफान मचा दिया। अब भैया वेस्टइंडीज के पास वैसे तो धुआंधार कई ऑलराउंडर होते हैं, वेस्टइंडीज का लगभग हर खिलाड़ी ऑलराउंडर होता है, ये आपको पता होगा। सबसे ज्यादा ऑलराउंडर वेस्टइंडीज की टीम में होते हैं, सारे के सारे तो बल्लेबाजी करते हैं, सारे के सारे गेंदबाजी करते हैं, और ऐसी वैसी नहीं करते हैं, तूफान मचाते हैं भैया। आते ही बल्ला भांजते हैं और छक्के मारते हैं, क्योंकि ताकत इतनी होती है इनमें। तो भैया कायल मेयर्स ने बड़ी अच्छी खुशखबरी दे दी है अपनी टीम को। उसके बाद में भैया राजस्थान वालों आप भी जश्न मना लो, लेकिन क्या ये जश्न रहेगा आपका? क्योंकि आपने तो भैया सवाल खड़े कर दिए इस खिलाड़ी पर, आपने तो इस खिलाड़ी को बाहर निकालने का प्लान बना लिया है। नाम है जेसन होल्डर ने भी अपना होल्डर घुमा दिया है भैया कैरिबियन प्रीमियर लीग में, बल्ले से भी रन बनाए हैं और गेंद से भी विकेट चटकाए हैं। तो भैया जेसन होल्डर की भी खूब तारीफ हो रही है कि भैया ये होल्डर भी होल्डर खोल देगा 2024 में। अब सवाल ये उठता है राजस्थान वालों कि क्या आप होल्डर को रखोगे? क्योंकि आपने तो होल्डर को बाहर करने का प्लान बना लिया था, अब क्या होल्डर को आप रखोगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि होल्डर ने 2023 में कुछ बढ़िया प्रदर्शन करके नहीं दिखाया था। अब राजस्थान वाले सोच रहे होंगे भैया क्या करें, ये साला आईपीएल में चलता नहीं है, कैरिबियन प्रीमियर लीग में जाकर बल्ला भी चलाता है, गेंद से विकेट भी चटकाता है, अब इसका क्या किया जाए? तो ये राजस्थान थोड़ा सा जरूर सोच रही होगी, कमेंट करके बताइएगा क्या होल्डर को रखना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद में भैया केकेआर वालों आप भी जश्न मना लो, क्योंकि आपके भी दो खिलाड़ी वहां पर हैं और दोनों तूफानी हैं, और दोनों ने तूफान मचा दिया है, बिल्कुल जाहिर तौर पर दोनों ने तूफान मचा दिया है। एक का नाम है रसल द मसल, आपको पता है किस तरीके से जैसे ही रसल मैदान पर आता है भैया अपनी जो हाथी वाली काया है ना, विशाल काया, उससे तूफान मचा देता है। और रसल ने यही काम करके दिखाया, आखिर में आकर जो फिनिशिंग अंदाज उनका होता है वो उन्होंने फिनिशर वाला अंदाज भी किया दिखाया है और विकेट भी चटकाया है। तो जाहिर तौर पर केकेआर के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि रसल का फॉर्म में आना, विकेट चटकाना, रन बनाना, बल्ला चलाना, ये केकेआर के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और अगर ऐसे ही रसल, देखिए पिछले कुछ मैचेस से लगातार मैं रसल पर नजर बनाकर रखा हूं, और रसल ने कुछ बढ़िया प्रदर्शन किए हैं पिछले कुछ मैचेस में, गेंद से और बल्ले से दोनों से बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये 2024 से पहले केकेआर के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। उसके बाद में सुनील नरेन भी वहां पर है, बल्ले से तो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है सुनील नरेन, मुझे ऐसा लग रहा है बल्लेबाजी तो शायद भूल गए हैं, मेरा ऐसा मानना है। उनको उनकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी, जैसे हनुमान जी को ताकत याद दिलानी थी ना, उसी तरीके से सुनील नरेन को भी ताकत याद दिलानी पड़ेगी कि भैया आप बल्लेबाजी भी कर सकते हो, लेकिन गेंदबाजी से जरूर सुनील नरेन ने कमाल किया है, गेंदबाजी से जरूर वो विकेट चटका रहे हैं, हर मैच में विकेट चटका रहे हैं, और दो तीन विकेट तो चटका ही रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है केकेआर के लिए गेंदबाजी के तौर पर, लेकिन भैया उनको याद दिला दो, भैया उनको याद दिला दो सुनील नरेन को कि भैया आप बल्लेबाजी भी कर सकते हो। पता नहीं क्या यार, पिछले एक साल से मैं देख रहा हूं सुनील नरेन बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, बल्ला तो उनका चल ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुनील नरेन को ये याद दिलाना पड़ेगा, हनुमान वाली ताकत याद दिलानी पड़ेगी। आपको याद है ना हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई थी कि भैया आप उड़ भी सकते हो, आपके अंदर ताकत है, और फिर उसके बाद में हनुमान जी ने क्या किया था, सूरज को निकल लिया था। तो उसी तरीके से सुनील नरेन को भी भैया ताकत याद दिलानी पड़ेगी कि भैया आप बल्ला भी चला सकते हो, आप 2014 की तरह दोबारा से खेल सकते हो, तो ये सुनील नरेन को याद दिलाना पड़ेगा। तो भैया इन तीन टीमों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है।
तीनों टीमों के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन लखनऊ वालों आप जश्न मना लो, निकोलस पुरन और काइल मेयर्स तूफानी फॉर्म में है, बहुत गजब की तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो भैया कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, क्या निकोलस पुरन जिस तरीके से खेल रहे हैं और काइल मेयर्स जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लखनऊ की टीम वास्तव में मजबूत है या फिर राजस्थान वालों मुझे बताओ क्या होल्डर को बाहर निकालना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और केकेआर वालों आप भी बता दो क्या आपको लगता है कि मतलब आपके जो खिलाड़ी हैं जैसे आपके रसल हैं या फिर जिस तरीके से आपकी गेंदबाजी कर रहे हैं ये दोनों गेंदबाज, क्या आपको लगता है कि क्या 2024 में मजबूत आएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोनों तीनों टीम वालों। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि लगातार जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच।